दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किचन की दुनिया विद दीपिका में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल आलू के पराठे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पराठे की प्रिपरेशन। इसके लिए आटा ले लीजिए गेहूँ का। डो बनाने के लिए थोड़ा सा बेसन चाहिए होगा 3 चम्मच, घी चाहिए होगा और थोड़ा सा नमक ले लीजिए। आटे में नमक थोड़ा सा पहले से डल जाता है तो अच्छा रहता है। ये आलू ले लीजिए बॉइल्ड कद्दूकस किए हुए, थोड़ा सा धनिया के पत्ता चाहिए, घिसे हुए अदरक, हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ा सा मसाला चाहिए जिसमें मैं सेंधा नमक ले रही हूँ, भुना जीरा पाउडर, भुना धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा और राई। आप चाहें तो सरसों के दाने भी ले सकते हैं। अब चलिए डो की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। बेसन डाल देंगे 3 चम्मच लग के लगभग में। नमक डाल देंगे 1 छोटा चम्मच, डालिएगा ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि आलू के स्टफिंग में भी हम नमक डालेंगे। अब अच्छे से मिला लीजिए। अब घी डाल लेंगे 2-3 चम्मच डाल लीजिएगा। आटे में घी डालने से डो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अब आटे को हल्के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा सा रब कर लेना है जिससे कि हमने जो इसमें बेसन डाला है, घी डाला है, नमक डाला है वो सब अच्छे से मिल जाए। याद रखिएगा हल्के हल्के हाथों से ही रब करना है, बहुत कस के नहीं रगड़ना है। हथेलियों की सहायता से मत करिएगा, उंगलियों की सहायता से ही करिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथते जाएंगे। याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिएगा वरना या तो ज़्यादा गीला हो जाएगा आटा या तो फिर टाइट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथते जाएंगे तो अच्छा आटा तैयार होगा। अच्छे से आटे को गूंथ लीजिए। आटा जब गूंथ जाए तो उसमें थोड़ा सा घी मिक्स कर दीजिए। थोड़ा सा और आटे को थोड़ा सा लगा लीजिएगा, थोड़ा सा मसल लीजिएगा हाथ से, इसे थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए डो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा टाइट है। अब हम किसी भी कपड़े से, गीले कपड़े से इसको ढक देंगे। 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे आटे को। अब चलिए स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल गरम करके थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए, राई डाल दीजिए। मैंने सरसों के दाने लिए हैं, आप चाहें तो राई छोटी वाली राई भी ले सकते हैं। अदरक और हरी मिर्च डालकर भी अब भून लेंगे। एक 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे, हल्दी पक जाए। इसके बाद ग्रेट किया हुआ
आलू भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस मिक्स ही करना है। अब भुंजा हुआ धनिया पाउडर, भुंजी हुई जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर सेंधा नमक का यूज़ किया है, आप चाहे तो सफ़ेद वाले नमक का भी यूज़ कर सकते हैं। देना कि गैस नहीं, थोड़ा अच्छे से भून लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होने देना है। अब धनिया का पत्ता डाल दीजिए, थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो और अच्छा लगेगा। स्टफिंग में हरा धनिया पड़ता है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। अब चलिए पराठा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। डो के पेड़े ले लेंगे, देख लीजिएगा पेड़े मीडियम साइज के होने चाहिए। इसी तरह और भी पेड़े बना लीजिए। डस्टिंग करके गेहूं के आटे से अब इसको गोल गोल अंदर हाथ लगा करके कटोरी जैसा बना लेना है आपको। देखिए बन जाए, हर तरफ से बराबर होना चाहिए। अब स्टफिंग कर लीजिए आलू की, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिएगा स्टफिंग में, वरना आटा ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा डस्ट करके इस पर फिर हल्के हल्के हाथों से किनारे किनारे से दबा दीजिएगा। स्टफिंग को अंदर की तरफ करते हुए धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हुए ये जो ऊपर का भाग है इसको हटा लीजिएगा, रिमूव कर लीजिएगा। अब पेड़े पर डस्ट लगाकर अच्छे से हाथों से इसको फैला लीजिएगा, इससे अंदर से स्टफिंग पूरी तरह से बराबर हो जाती है, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं रह जाता। अब हल्के हल्के हाथों से इसको बेलिएगा, बहुत ज़्यादा जोर लगाकर नहीं बेलना है, हल्के हल्के हाथों से ही बेलिएगा। चारों तरफ से बराबर बेल लीजिए। इसी तरह आपको और भी पराठे बना लेने हैं, बेल लेने हैं। गरम तवे पे घी लगा लीजिए, पहले थोड़ा सा घी लगा लेंगे तो सही रहेगा, पराठे नीचे चिपकेंगे नहीं। थोड़ा सा सिक जाए तो किसी कलछुल, फ्लैट कलछुल की मदद से आपको पलट लेना है। हर तरफ थोड़ा थोड़ा घी डाल के अच्छे से सेक लेना है पराठे को। घी को फैला दीजिए हर तरफ। अब दूसरी तरफ भी आप घी लगा लीजिए, चारों तरफ से लगा लीजिएगा।
देखिए पराठे फूलने चालू हो गए हैं। जब पराठे में हर तरफ से बराबर फिलिंग होती है तो पराठे इसी तरह अच्छे से फूलते हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं। अब दोनों तरफ अच्छी तरह से सेक लीजिए, पराठा जब सिक जाए तो हटा लीजिए। इसी तरह और भी पराठे आपको बना लेने हैं। थोड़ा सा पराठा कहीं से अगर फूट भी जाए तो उसको परेशान मत होइएगा, बहुत अच्छे बनते हैं फूट जाने के बाद भी, टेस्ट अच्छा आता है। देखिए सारे पराठे बनकर रेडी हो गए हैं और अब हम इन्हें तोड़ के दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए खोल लेंगे जरा सा, अभी भी गर्म है ये, थोड़ा सा हाथों में लग रहा है। देखिए हर तरफ स्टफिंग बराबर से फैली हुई है और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं पराठे, खाने में बहुत मज़ा आएगा। अब आप इसको अचार, टोमेटो केचप, रायते के साथ सर्व कर लेंगे। ओके दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को। थैंक यू।